नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके स्टडीज जॉब सन में। आज का वीडियो बनाया जा रहा है आपको ये जानकारी देने के लिए कि केवीएस संगठन द्वारा जो नॉन टीचिंग पोस्ट पर एग्जाम्स हुए थे उनके आंसर की आ चुकी है और आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं। अगर कोई आंसर आपको गलत लगता है तो आप उसके लिए ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। इस एग्जाम के बारे में बता देता हूँ आपको। ये जो एग्जाम था, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 थे, जो 40 क्वेश्चन थे आपके लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट का था और जो रिमेनिंग 60 क्वेश्चन थे उसमें कंबाइन आया था। उसमें आपका मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, आपका कंप्यूटर, आपका करंट अफेयर्स, जीएस आया था। तो जो आंसर की इन लोगों ने प्रोवाइड कराई है केवीएस संगठन द्वारा, ये जो आंसर की इन्हीं 60 क्वेश्चंस की है। तो आप अपने जो आंसर्स हैं चेक कर सकते हैं। सही आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स दिया गया है। आपके आंसर अगर गलत आपने टिक मारा है, क्योंकि इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, तो आपको 0-0 मार्क्स दिए गए हैं। तो आप इजिली अपने रॉन्ग आंसर्स काउंट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि जो आपने आंसर लगाया है ये सही है लेकिन केवीएस द्वारा आंसर की में गलत दे रखा है, तो आप उसके लिए ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। अभी तक इनके जो नोटिफिकेशन उसमें लास्ट डेट तो दी नहीं गई है, लेकिन मैं यही बोलूंगा जितनी जल्दी आप अपने आंसर चेक करें, जितनी जल्दी ऑब्जेक्ट करें उतना बेटर होगा। ऑब्जेक्ट करने के लिए आपको कोई प्रूफ भी चाहिए होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका जो जैसे 43 बाई चांस आपका कोई क्वेश्चन गलत है, उसके लिए आपको क्वेश्चन और एक प्रूफ चाहिए होगा। और आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इस लिंक पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड से ये आपको मेल पे मिल जाएगा। आपकी जब आपने फॉर्म भरा था तब आपको दिया गया है रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड। वहाँ से आप ला के अपना पोर्टल खोल के आप अपने आंसर की चेक कर सकते हैं। मोबाइल पे नहीं खुल रही है, मोस्टली लैपटॉप पे ही खुल रही है। आई मीन पीसी एंड डेस्कटॉप हो या आप पे लैपटॉप हो, तो आप अपने इस पोर्टल केवीएस संगठन की पोर्टल पे जाके अपने लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड से अपने आंसर की चेक कर सकते हैं। आंसर के लिए आपको पहले वो आंसर की डाउनलोड करनी पड़ेगी, फिर आप इजीली चेक कर सकते हैं। और बहुत अच्छे तरीके से आंसर के दिए है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और क्योंकि ये 60 क्वेश्चन था, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो मैं ये बोलूंगा कि इसकी मेरिट काफी ऊपर जाने की उम्मीद है। लेकिन फिर भी मेरिट को तो कोई डिसाइड नहीं कर सकता। आप अपनी टाइपिंग की तैयारी अच्छे से करिए। ऑल द वेरी बेस्ट, अपना अच्छा करिए, अपने अच्छे टाइपिंग करिए और हैव अ नाइस डे।